हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ग्रिप चेंज कैसे किया जाता है, और बैडमिंटन में जो ग्रिप चेंज होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आप ग्रिप चेंज नहीं कर पाओगे तब तक आप अच्छा शॉट नहीं मार सकते हो। तो अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जाकर देखो। और आज हम कुछ और एडवांस पॉइंट जानेंगे कि ग्रिप चेंज में हमें और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गो। तो मैंने आपको पहले बताया था कि फॉरहैंड ग्रिप कैसे पकड़ते हैं एंड बैकहैंड ग्रिप कैसे पकड़ते हैं, और रेडी ग्रिप से फॉरहैंड में कैसे चेंज करना है और बैकहैंड में कैसे चेंज करना है। बट आज मैं आपको एक और एडवांस वाला पॉइंट बता रहा हूँ। तो जब हम फॉरहैंड की बात कर रहे हैं तो फॉरहैंड में भी हमारे काफ़ी सारे ग्रिप आते हैं, यानी कि फॉरहैंड का जो है केवल एक ग्रिप नहीं है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रिप है। इसी तरह बैकहैंड में जब हम जाते हैं तो बैकहैंड में हमारा डिफरेंट डिफरेंट ग्रिप आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी शटल आती है तो शटल का जो इंपैक्ट ऑफ पॉइंट अलग होता है, वो हमेशा डिफरेंट हाइट पर आती है, जिसकी वजह से हमें क्या करना होता है, हमें अपना ग्रिप चेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये है मेरा रेडी ग्रिप, ठीक है? तो अभी मान लो शटल मेरे फ्रंट में आ रहे हैं, मेरे सामने, तो मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा टर्न और ये ऐसे, देखो अभी ये मेरा आ गया फॉरहैंड ग्रिप, ठीक है? अभी फॉरहैंड ग्रिप है, देखो ये ध्यान से आप देखो, फिंगर मेरा है फॉरहैंड ग्रिप में, ठीक है? फॉरहैंड ग्रिप, ये फॉरहैंड ग्रिप है मेरा, ठीक है? तो ये मेरा अभी जब शटल है सामने फ्रंट में, तो देखो ये मेरा रैकेट ऐसे फ्रंट में आ गया, जो मेरे फ्रंट में आएगा, ठीक है? ये फ्रंट के लिए। बट अगर यही शटल मैं मान लो पीछे आ रहा है, ठीक है, या फिर साइड में आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे नहीं मार सकता हूँ, क्योंकि ये देखो अभी अगर मैं ऐसे पकड़ के ऐसे मारूंगा तो ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, ठीक है? ये जो मेरा रिस्ट है ये रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, जिससे मैं पावर नहीं जनरेट कर सकता हूँ। या फिर बात करो पीछे की, जैसे ये, तो ये देखो अभी मेरे को क्या है, मेरा रैकेट का ये देखो, ठीक है, रैकेट जो मेरा है अभी अगर मैं ऐसे ही पकड़ के मारा, जैसे मैंने ये पकड़ा था, तो मैं अगर पीछे जाके ऐसे मारूंगा तो देखो अभी मैंने कोई ग्रिप चेंज नहीं किया है, मैंने ऐसे पकड़ा था अभी जब मेरे फ्रंट में आया था शटल, ठीक है? जब मेरे फ्रंट में आया था तो मैंने ऐसे पकड़ा था, और मैं यही पकड़ के अगर जाऊँ साइड में मारने जब पीछे आ रहा है, ठीक है, तो ये देखो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मान लो शटल साइड में, तो ये मेरा आया, ये आया, और अभी ये देखो ऐसे मैं शटल मारूंगा बट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, यहाँ पे मैं पावर जनरेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो शटल यहाँ पे आ रही है, तो मुझे अपने रैकेट को थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा और अपने ग्रिप को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस टाइम पे जो होगा, मेरा जो थंब है मैं इसको भी थोड़ा इधर रखूंगा और अपने रैकेट को भी थोड़ा सा टर्न करूंगा, ठीक है, ताकि मैं इसको यहाँ से इजीली पूरा ऐसे चला सकूँ, ठीक है? देखो अभी अभी मेरा देखो थंब यहाँ पे आ गया, ठीक है? तो ये यहाँ पे मैंने चेंज किया, देखो मैंने पहले जब फ्रंट में आया था तो मेरा थंब ऐसे था, बट जब यही मैं साइड में मारने गया तो मैं इसको यहाँ पे लाया और ये ऐसे गया, ठीक है? तो मैंने यहाँ से ऐसे चेंज किया, ठीक है? ये देखो ये ग्रिप मेरा आ गया जब मैं साइड में मारने गया, ठीक है? तो ये मेरा साइड में आ गया फ्रंट है ये, ठीक है? तो ये भी फॉरहैंड ग्रिप ही है देखो, लेकिन ये थोड़ा साइड में आ गया है, ठीक है? तो ये हमेशा ग्रिप चेंज आपको करना पड़ता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मान लो ये मेरा था फ्रंट में, ठीक है, ऐसा फ्रंट में, अब साइड में मुझे मारना, तो मैं साइड में भी जब मारने जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, अपने ग्रिप को थोड़ा सा चेंज करूँगा, ठीक है? देखो ये अपने थंब को इधर लाया और ये, और फिर ये मारूंगा, ठीक है? तो ग्रिप चेंज आपको हमेशा करना पड़ता है, ठीक है? ज़्यादातर लोग शॉट अच्छा इसलिए नहीं मार पाते हैं क्योंकि वो ग्रिप ही चेंज नहीं करते हैं, ठीक है? क्योंकि वो क्या करते हैं कि एक ही तरह से पकड़ के मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं अगर ऐसे ही पकड़ा हूँ, ठीक है, कुछ लोगों का तो क्या करना है कि वो तो ऐसे ही पकड़ लेंगे रैकेट को और बस फॉरहैंड बैकहैंड बैकहैंड बैकहैंड, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, सारे तरफ जहाँ भी शॉट आए बस इसी ग्रिप से, ठीक है? तो इसी ग्रिप से आप कभी भी कोई अच्छा शॉट नहीं मार सकते हो, आपको हमेशा ग्रिप चेंज करना है, क्योंकि जो शटल की हाइट होती है वो हमेशा डिफरेंट हाइट पर आती है, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होता है कि जो हमारा ये रैकेट का हेड है, ठीक है, हमें रैकेट का जो हेड है इसको हमेशा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो अभी शटल जैसे यहाँ पे आ रही है तो हमारा रैकेट हेड इधर है, अगर शटल ही जब इधर आएगी तो हमारा रैकेट हेड इधर गया, ठीक है, तो हमको इसको फेस भी इसका दिखाना पड़ेगा ताकि शटल को हम जहाँ पे चाहे वहाँ पे प्लेसमेंट कर सके, ठीक है? तो आपको इतना जानना है कि आप कभी भी एक ग्रिप पकड़ के नहीं खेल सकते हो, ठीक है? और मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रिप चेंज कैसे करते हैं, ठीक है? तो चलो देखो, ये है मेरा रेडी ग्रिप, ठीक है, अभी मुझे बैकहैंड में करना है, ठीक है? तो जब बैकहैंड में करना है ना, तो आपको मिस्टेक क्या नहीं करना है वो देखो, जैसे ये बैकहैंड है, ठीक है, तो आपका बैकहैंड ऐसे, ठीक है, आपका बैकहैंड एक तो ऐसे होगा, देखो जैसे ये रेडी ग्रिप है तो आपका एक बैकहैंड ये है और दूसरा बैकहैंड ऐसे कर सकते हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, देखो ये रेडी ग्रिप, आपका बैकहैंड करना है ना, तो आपको ऐसे रैकेट को ये बैकहैंड, तो ये देखो ये हमारा रेडी ग्रिप, ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आपको क्या करना है, देखो ये है हमारा रेडी ग्रिप, अब ये बैकहैंड, ठीक है, ये देखो ये बैकहैंड आ गया, फिर से रेडी ग्रिप, ठीक है, ये रेडी ग्रिप, फिर बैकहैंड, देखो ये बैकहैंड, ठीक है, मतलब मैं क्या करूँ, इसको बस टर्न करके अपने थंब को ऐसे ला रहा हूँ, ठीक है, देखो ये, ठीक है, तो ये देखो ये मेरा अभी रेडी ग्रिप है, आप फॉरहैंड पकड़ना, ठीक है, तो ये फॉरहैंड, ठीक है, फिर से देखो ये रेडी ग्रिप, अब ये फॉरहैंड,
ठीक है। तो देखो आपका क्या करना है, जैसे आपका ये रेडी ग्रिप होता है, ठीक है ना, रेडी ग्रिप मतलब आपका जो एज है इस पर आपका ऐसे थंब होता है, ठीक है, ऐसे। अब आपको फॉरहैंड पकड़ना है तो ये थोड़ा सा ऐसे आपका थंब चला जाता है, और आपको अगर बैकहैंड पकड़ना है तो ये आपका ऐसे चला जाता है, ठीक है। मतलब कि जब रेडी ग्रिप से बैकहैंड में करना है तो आपका रैकेट थोड़ा सा टर्न हुआ और ये आपका थंब आ गया, और ये देखो आपका फिंगर ऐसे आ गया, ठीक है। ये देखो, ये मतलब कि आपका ऐसे थंब, फिर ये चारों फिंगर, ठीक है। फिर से देखो कैसे, थंब, ये, फिर ये, ठीक है। और फिर जब आपको यहाँ से रेडी ग्रिप में फिर चेंज करना है तो फिर क्या होगा, आपका ये ऐसे किया, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये आपका आ गया रेडी ग्रिप, ठीक है। फिर से देखो, ये बैक हैंड, ये रेडी ग्रिप, फिर ये बैक हैंड, ये रेडी ग्रिप। जब आपको फॉरहैंड करना है तो फॉरहैंड में क्या आपका, ये रेडी ग्रिप है, फिर ये फॉरहैंड, ठीक है। देखो, ये रेडी ग्रिप है आपका, ये फॉरहैंड, रेडी ग्रिप, फॉरहैंड, ठीक है। देखो अभी रेडी ग्रिप में आपका यहाँ पे होता है तो आपका थंब जो होता है ये बस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये होता है आपका फॉरहैंड ग्रिप। तो देखो जब आप ग्रिप चेंज कर रहे हो तो आपको कुछ पॉइंट ध्यान देना है।